बैठकें सुनिश्चित की हैं। इन बैठकों में हम आने वाले दिनों में बूथ समिति अभिनंदन, 17 नवंबर के कमल संदेश मोटरसाइकिल यात्रा और दिसंबर के पहले पखवाड़े में एक गांधी जी की 150वीं जयंती पर पदयात्रा का कार्यक्रम लिया है, तो इसमें संगठन के पदाधिकारी और मंत्रीगण सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों की बैठकों में जाएंगे और नीचे तक इस जनसंपर्क जनसंवाद को सुनिश्चित करेंगे। पार्टी की गतिविधियों में एक कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देंगे। इसकी विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई और मंत्रीगण को उस पर आवश्यक उनकी सहभागिता सुनिश्चित की गई। मंदिर सुनवाई 2 महीने के लिए टाल दी गई, जनवरी में होगी, कोई निराशा हुई इससे? देखिए, मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सबके मन में पूरा आदर है। अपेक्षा जरूर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए थे उसमें राम मंदिर होना सुनिश्चित सभी जजेस के फैसले में था। वह चूंकि 3 भाग में वो फैसला विभाजित था कि मालिकाना हक के आधार पर, सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट शीघ्र निर्णय दे इसकी अपेक्षा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी शुरू से राम मंदिर निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निर्धारित कार्यक्रमों में हैं और मुख्यमंत्री जी संगठन को पूरा समय देते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री यहाँ थे। हम लोग मुख्यमंत्री जी के संग विभिन्न संगठनात्मक योजनाओं पर अलग से बैठने वाले हैं। अभी फिर विस्तार या फिर बदलाव को लेकर कोई संगठन में बात हो रही है, फिर संगठन या मंत्रिमंडल बदलाव में लेकर कोई चर्चा हुई? आज विशुद्ध संगठनात्मक कार्य योजना की बैठक। सर, आप चाहते हैं कि संगठन के लोग सरकार में आए, इस दिशा में कोई बातचीत हुई है? संगठन के संगठन और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कार्यकर्ता सरकार के निर्णयों को जिस तरह जनता तक ले जाने के काम कर रहे हैं, जिससे पहली बार मोदी और योगी सरकार गरीबों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार कर रही है, इसी तरह से संगठन के काम को भी जनता तक ले जाने में मंत्री भी कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। यह समन्वय भाजपा में भी यह सुंदर समन्वय हो सकता है, ये पार्टी का वैशिष्ट्य है, उसी के निमित्त ये बैठक थी। आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं।